सो वंस अगेन वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ज़बरदस्त होंगे और खैरियत से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपकमिंग मूवी ऑफ द एसआर की, तो हम वन बाय वन सब बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हम करते इस सारे टॉपिक के ऊपर बात। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल कर दे सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2000 years later, जवान ने मचा दी है तहलका। अब हमें एसआर के नजर आने वाले अपकमिंग मूवी जिसका नाम है टाइगर 3, जिसके अंदर हमें एसआरके का नजर आएगा कैमियो, जो हमें स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे सलमान खान के साथ एज अ कैमियो रोल में और एज अ पठान। तो ये मूवी होने वाली है रिलीज 11 नवंबर को, इस दिवाली के ऊपर। तो हमें है इसका इंतजार और हम देखेंगे इस मूवी को थिएटर के ऊपर, जिसके अंदर एसआरके फिर से हमें एक बार इस साल तीसरी बार नजर आएंगे। टाइगर 3 के अंदर हमें सलमान खान, इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ नजर आएंगे। राजकुमार हिरानी के निर्देशक में बनने जा रही है मूवी जिसका नाम है डंकी। तो फाइनली आने वाली है ये मूवी जिसका नाम है डंकी, जिसके अंदर हमें लीड रोल में नजर आएंगे एसआरके और साथ में नजर आएंगी तापसी। तो ये मूवी है एक इलीगल इमिग्रेशन बेस्ड मूवी और ये मूवी होने वाली है कॉमेडी बेस्ड मूवी। तो ये मूवी हमें देखने मिलेगी इसी साल 2023 में, वो होंगी 22 दिसंबर को रिलीज। और इस मूवी में हमें विकी कौशल और साथ में बुमन ईरानी आएंगे नजर। डंकी मूवी के बाद हमें एसआर के नजर आएंगे रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन के अंडर में काम करते हुए। इस मूवी को करेंगे डायरेक्ट सुजय घोष और ये मूवी आपको शेयर करते हुए नजर आएंगे एसआर के उनके बेटी के साथ, जिसका नाम है सुहाना खान। तो देखते हैं ये मूवी किस तरह से आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस में झंडे गाड़ती है, जिसके अंदर हमें एसआर के और सुहाना खान आएंगे नजर। और ये मूवी हमें 2024 के अंदर मिलेंगी थिएटर के ऊपर देखने के लिए। एसआरके की एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है टाइगर वर्सेस पठान, जिसके अंदर हमें एसआरके और सलमान खान दोनों स्क्रीन शेयर करते हुए आएंगे नजर। और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, जिसने डायरेक्ट किया था पठान जैसी मूवी को। इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाएंगी अगले साल मार्च से। और टाइगर वर्सेस पठान के अंदर हमें विलन जो नजर आएंगे वो नजर आएंगे डीसी कॉमिक्स के एक्वामैन, जहां तक की सूत्रों की खबर आ रही है। और टाइगर वर्सेस पठान के अंदर जो फीस है वो टाइगर सलमान खान को 200 करोड़ और शाहरुख खान को 200 करोड़ और विलन है उसे 100 करोड़ के तक का ऑफर दिया जाएगा अगर एक्वामैन होंगे, तो लगभग 500 करोड़ तो इसके अंदर ही दिए जा रहे हैं। तो ये मूवी होगी सबसे हाईएस्ट बजट इन दी बॉलीवुड इंडस्ट्री, मीन्स ये 700 करोड़ तक का मूवी जा सकती है। तो चलिए हमें ये मूवी देखने के लिए मिलेगी, वो मिलेगी हमें 2025 के अंदर थिएटर में। इसके बाद हमें एसआर के नजर आएंगे जवान 2 के अंदर, क्योंकि जवान 1 के अंदर हमें क्लू दे दिया गया था संजय दत्त संजय बाबा के थ्रू कि एक और इन्हें मिशन दिया जाएगा संजय दत्त के थ्रू, जिसके अंदर हमें संजय दत्त और शाहरुख खान फुल स्क्रीन शेयर करते हुए आएंगे नजर। अब इस मूवी जवान 2 के अंदर कौन होगा विलन, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा। और जहां तक कि हमें पता लग रहा है कि जवान 2 की जो शूटिंग होने वाली है वो होगी 2025 में। अब ये मूवी हमें 2025 में देखने के लिए मिलती है या 2026 में, ये आने वाले वक्त पे ही हमें पता लगेगा। शाहरुख खान की पठान 2 और पठान 2 के अंदर आएंगे हमें एसआरके और साथ में उनके साथ और कौन स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएगा। इस मूवी के लिए है अभी बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि उसके पहले ही स्पाई वॉर के अंदर आने वाली है वॉर 2 टाइगर वर्सेस पठान, और एक मूवी और आने वाली है जिसके अंदर हमें एज अ एजेंट आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण कैटरीना कैफ इनकी भी एक मूवी आने वाली है एज अ एजेंट रॉ एजेंट। तो पठान 2 लगभग हमें थिएटर पर देखने के लिए मिलेंगे 2026 या 27 के अंदर। अब आपको कौन से मूवी का है इन अपकमिंग मूवी में से इंतजार, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं इसी तरह की अगले वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड लेट्स सी यू अगेन। गुड बाय।